हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश लाइफ विद अर्चना में। आज मैं आपको कुछ स्पेशल डिश बना के दिखाने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेते हैं। अब इस कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी इसलिए डालते हैं कि जो भी चीज़ हम कढ़ाई में बनाएं वो तले पे ना छिपके। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। ये दूध मेरा 1 लीटर दूध है, इसे ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। अब दूध को इसमें डाल देंगे। अब डालने के बाद कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। इसे हमें उस तब तक चलाएं जब तक कि इसकी क्वांटिटी हाफ ना हो जाती है। अब इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है। इसका कलर भी धीरे धीरे करके थोड़ा सा चेंज होते जाएगा। अब चलाने के बाद में थोड़ी देर बाद इसमें से हम ये हल्का गर्म हो गया है दूध। अब इसके बाद इसमें ये आधा कटोरी हम दूध अलग से निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या सामग्री लगेगी बता देती हूँ। ये 1 कटोरी खोआ है। ये हर 15 दिन मेरे पास इतना खोआ निकलता है। मैं मलाई से जो वीडियो डाली मलाई से खोआ और घी निकालने की, उससे ये निकला खोआ। अब ये थोड़ा सा जो दूध अभी निकाले थे वो है, ये 1/4 कटोरी शुगर है, और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हैं, ये कस्टर्ड पाउडर है, और ये मिल्क पाउडर है। अब सबसे पहले हमें ये कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर को दूध में मिला के अच्छे से पहला घोल बना लेंगे। इसको ये 1-2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेना है, और हमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर को लेना है। दोनों क्वांटिटी सेम रहेगी। अब क्या करेंगे, दोनों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये मिल्क हल्का गुनगुना रहता है, इसलिए जो पाउडर है अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब ये दूध अच्छे से उबल रहे हैं। अब इसमें हम ये जो कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर को जो मिक्स करे थे, उस दूध को इसे मिला देंगे। अब इसे अच्छे से चम्मच से चला देते हैं ताकि नीचे वो जम ना जाए। अब इसे कंटिन्यू से चम्मच से चलाते रहना है। साइड साइड में जो भी मलाई जमती है उसको भी इसे मिलाते चलेंगे, क्योंकि इसे उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक पकाना है तो साइड में मलाई जमती जाएगी। अब जैसे ये दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैंने ये येलो कलर लिया है, इस कलर को इसमें डाल देते हैं। अब इसे चम्मच चलाते हैं, इससे क्या है, इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आने लगेगा। अब इसे थोड़ी देर चलाते हैं, फिर एक गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसमें मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर डाले इसलिए जल्दी गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए जो कलर इसका चेंज हो चुका है, कलर डाल येलो कलर डालने से। और अब इसमें शुगर डाल देते हैं। ये शुगर है, इसे हम पूरा डाल देंगे। अब इसके बाद में अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी धीरे धीरे करके इसमें गाढ़ा होने लगेगा। फिर हम इसमें ये है वनीला एसेंस है, जो हम केक में डालते हैं वाला है वनीला एसेंस। इसे हम 3-4 ड्रॉप्स इसमें डाल देते हैं। इससे कि इसमें बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगेगा, जो आइसक्रीम का जो टेस्ट आता है उस टाइप का टेस्ट इसमें आने लगेगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले से काट के रखे हैं, उस ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल लेते हैं। इसमें से आधे ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। अब इसमें जितना ड्राई फ्रूट्स में आधा हम डाल लेते हैं, आधा को फिर अभी थोड़ा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। इतना बचा लेते हैं गार्निशिंग के लिए, बाकी को हम इसमें डाल लेते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद ये जो कटोरी में जो मैंने खोआ लिया था, अब उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसको मैंने फ्रिज में रखा था, गर्म कर लिया है।
है ना, भून लेंगे इसको थोड़ा सा। अब इसमें मैंने शुगर डाल दी है, और शुगर डालने के बाद में अब इसमें ये इलायची पाउडर है, ये इलायची पाउडर डाल देंगे, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर पकाएंगे तो ये सब अच्छे से आपस में मेल्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा ही पकाना है, नहीं तो शुगर जो है पूरे खोआ को गीला कर देगा। इसे थोड़ा सा पकाना है, और इसे अब गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब मैंने ब्रेड लिया है बहुत सारा। अब ब्रेड के जो साइड से जो ब्राउन वाला पार्ट होता है उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब एक ब्रेड को लेंगे और इस तरह से उसे बेलेंगे, पतला करेंगे। बेलने से क्या हो जाता है, वो पूरा पतला हो जाएगा। अब ये पतला हो गया, इसी तरह हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस है उसको लेंगे, इसको भी बेल लेंगे। बेलने से ये भी पतला हो जाएगा, सब तरफ से इसको बोलना है, साइड साइड से, कॉर्नर से भी। अब ये फिर से ये देखिए पतला हो गया। अब इसी तरह हम सारी इतने सारे ब्रेड को मैंने ये पतला करके रखा हुआ है। अब हम इसका रोल बनाते हैं। अब ये ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर ये जो मैंने खोवा रखा है, खोवा को ही ऐसे किनारे में रख दिया है। अब इसका हम रोल बना लेंगे। इसे ऐसे हल्का सा बहुत धीरे हाथ से मोड़ना है, ऐसे धीरे धीरे मोड़ के अब इसे हम साइड में रखते जाएंगे। ये देखिए, अब आपको एक और दूसरा करके दिखा देती हूँ। पहले हम ब्रेड लेंगे, अभी हम खोवा ले लेंगे जो स्टफिंग करनी है वो। अभी खोवा को पहले साइड में रख लेंगे, अब इसे धीरे धीरे करके फोल्ड करना है। अब फोल्ड करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो ब्रेड है वो टूटे ना। ये इस तरह से धीरे धीरे मोड़ते हुए इसे साइड से मोड़ के रखते जाएंगे। इसी तरह मैंने, ये मेरे दो ब्रेड रेडी हो चुके हैं। अब इसी तरह से बाकी बचे हुए ब्रेड को अच्छे से फिल करूँगी। अब मैंने सारा ब्रेड को अच्छे से फिल कर लिया है। अब इसके बाद मैं एक ऐसा डिब्बा लूँगी जो थोड़ा चौड़ा हो, और ऐसा डिब्बा रखना है कि सारा ब्रेड उसके अंदर आ जाए। अब ब्रेड को उसके अंदर जमाएंगे सबको। अब जमाने के बाद में ये देखिए सारा ब्रेड रेडी हो गया है। अब हम ये जो रबड़ी बना के रखे हैं उसको सब में डालते जाएंगे। जितना रबड़ी है सबको इसमें डाल देना है, क्योंकि ब्रेड जो है कुछ टाइम बाद पूरा रबड़ी को ऑब्जर्व कर लेता है। वो देखिए पूरा हमने रबड़ी को इसमें डाल लिया है। अब इसके बाद में जो भी ड्राई फ्रूट्स था, ये मैं इसमें काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, इतना चीज़ लिया है, इसको सबको इसके ऊपर में डाल देते हैं। अब ये मैंने ये हमेशा एयर टाइट डिब्बा लेना है, और इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। अब ये बंद करने के बाद में इसे हम फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे पूरा ये ठंडा हो जाएगा। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। अब ये हो गया 5 घंटे बाद, ये हम इसे निकालते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है बंद करके रेडी हो गया है। अब इसे निकालते हैं, इसे निकालें, थोड़ी सावधानी के साथ निकालें, क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है तो टूटने का डर रहता है। अब ये देखिए, इसे मैंने निकाल के दिखा रही हूँ आपको। ये बहुत ही सुंदर, दिखने में बहुत सुंदर है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, इसे जैसे हम इस तरह साइड से काटेंगे, ये बाहर से आपको ब्रेड दिखेगा और अंदर से इसकी जो स्टफिंग है वो आती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।